बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, चुनाव नजदीक है तो वायदों का पिटारा खुलना शुरू हो गया है। कोई गारंटियां दे रहा है तो कोई उन गारंटियों के जवाब में घोषणाएं कर रहा है, लेकिन इन वादों से जनता किधर जाएगी, ये भी सवाल। रिपोर्ट देखें। साल में फसल बीमा योजना के हमने आपके खाते में डाले 20,000 करोड़ रुपया। खुल गया विवादों का पिटारा, फ्री वायदों का पार्टियां ले रही सहारा। कांग्रेस ने दी वायदों की गारंटी, बीजेपी ने वायदों का अंबार। वायदों के सहारे किसकी बनेगी सरकार? 100 के 4, 100 के 4, आइए लीजिए ये ऑफर है खास। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? आपको लगा कि सामान का सेल चल रहा है क्या जो हम ऐसा कह रहे हैं 100 के 4, 100 के 4? दरअसल जिस तरह मध्य प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं, पार्टियों के वादों का पिटारा इसी तरह से खुल रहा है। उसके बाद तो यही कहा जा सकता है 100 के 4, 100 के 4। कांग्रेस ने सोच लिया फ्री की रेवड़ियों के सहारे सत्ता में आए। पहले प्रियंका गांधी वाड्रा आई, चुनावी जनसभा की, 5 गारंटी दी, अब इससे भी मन नहीं भरा तो कह दिया गारंटीज बढ़ाई जाएंगी। देखिए, चुनाव में अभी काफी समय है और जनता के हित के लिए 5 या 500 लेना पड़े तो 500 लेंगे। कांग्रेस ने कहा कि जरूरत पड़ी तो ज्यादा गारंटीज दी जाएंगी, लेकिन देंगे तो तब जब बीजेपी उन्हें सत्ता में आने दे। सभी के मामा यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो अब लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने का वादा कर दिया। बहनों को तो 1,000 मिल गए, अब लगता है किसान को भी 1,000 रुपया महीने ही हो जाए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? इतना ही नहीं, किसानों को साल में 12,000 रुपए देने, डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज माफ करने की घोषणा करने के बाद कांग्रेस की गारंटी पर भी ये भारी न पड़ जाए। सीएम किसानों का कर्ज माफ करने और कर्मचारियों के हित में भी जल्द ही कोई न कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। शिवराज जी का कार्यकाल देखें, भाजपा की सरकार का कार्यकाल देखें, ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनावी वर्ष में योजनाएं सतत आई, पूरे 19 वर्ष 20 वर्ष में योजनाएं आई है और सतत वो योजनाएं आज भी चले। हाँ, हमारी सरकार गई थी 15 महीने जब संबल योजना, तीर्थदर्शन योजना, ये सारी योजना जो थी इन्होंने बंद कर दी थी, कन्या विवाह की राशि रोक दी थी, गर्भवती महिलाओं के पैसे रोक दिया था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हर वर्ष नई योजनाएं आती, बहनों को सशक्त बनाने के लिए, किसानों को, युवाओं को, हर वर्ग के लिए योजनाएं आती और सतत चलती है। कांग्रेस के वादों पर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक तो चला, लेकिन सवाल ये है कि जिस मध्य प्रदेश में 79% कुल राजस्व की देनदारी है, GSDP पर कर्ज 29% है, ऐसे में जो घोषणाएं हो रही हैं वो वादे पूरे कैसे होंगे? कांग्रेस और बीजेपी के ये वादे पूरे होंगे कि बस वायदे बनकर रह जाएंगे, सवाल ये भी है। न्यूज 18 के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।